उसके बाद नेक्स्ट वन है एटमोलॉजिकल मीनिंग्स ऑफ गांध्रा। एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या होते हैं और मीन्स इसके वेरियस सोर्सेज से नाम के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। द नेम गांध्रा हैज वेरियस एटमोलॉजिकल सोर्सेज, द मोस्ट वाइडली नोन ऑफ दिस बीइंग संस्कृत एंड गांधा मीनिंग परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करना। दिस रेफर टू द अरोमेटिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस ट्रेडेड बाय गांधरी पीपल हु अनॉइंटेड देमसेल्व्स। इन पर्शियन द वर्ड गांधरा मीन बियॉन्ड द हिंदू कश रेफरेंसिंग द ट्रेड रूट। मीन्स इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फर्स्ट में देखे तो संस्कृत, संस्कृत ये हिंदुइज्म का नेम है। गांधा मीनिंग परफ्यूम, तो इसी तरह गांधरा मीनिंग बियॉन्ड द हिंदू कश, तो इसी तरह। मीन्स इसके मीनिंग देखें, एटमोलॉजिकली मीनिंग देखें, तो ये हिंदू हिंदुइज्म में जो नेम्स होते हैं, इंडिया में जो नेम्स होते हैं, उन्हीं के नाम से ये मंसूफ है। फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर क्या हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, उसकी खसूसियात क्या है। मेन फीचर्स है लैंग्वेज, मतलब इसकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट मॉन्स्क्रिप्ट्स में लिखी गई है, एशिया में है। प्रैकृत लैंग्वेज है जिसमें क्वाइंस बने हुए हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ब्रिज ट्रीज हैं, और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं लेबल्ड क्ले पॉट्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। तो फर्स्ट जो मेन फीचर है गांधरा सिविलाइजेशन का वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज आप किसी भी शेप में देख सकते हैं, क्वाइंस में है, इंस्क्रिप्शंस है, टेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तन पे भी इसके नेम लिखे हुए हैं, और जो आप टेक्स्ट देखते हैं तो ये पिक्चर में भी विजिबल है, पिक्चर में भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड वन है आर्ट। इसके आर्ट की खसूसियत क्या है, मतलब गांधरा आर्ट डेट्स बैक द 1st सेंचुरी BC विद पेंटिंग, स्कल्पचर्स हैं, क्वाइंस हैं, पोट्री है, और डिफरेंट ट्रेडिशन है। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर में भी उसने एक तो पिक्चर्स के थ्रू इस सिविलाइजेशन की खसूसियात को शो करवाने की कोशिश की है। इसमें उसने ये बुत बनाए हुए हैं, मीन्स इस तरह की ये सिविलाइजेशन थी, और इस तरह के बुत बनाए जाते थे, और इस तरह के बुत मुख्तलिफ नुमाइशों में प्रेजेंट किए जाते थे। मतलब इस सिविलाइजेशन की ये एक फीचर था। नेक्स्ट वन है आर्किटेक्चर्स, मतलब किस तरह के लोग फन करते थे, तमीर मीन्स कोई चीज़ें बनाते थे। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं स्तूपा है, और उसके बाद और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब डिफरेंट शेप से वो चीज़ों को बनाते थे। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए ज़रूरी थी कि ये आइडेंटिफिकेशन करती थी उस सिविलाइजेशन की, उस कल्चर की, और मतलब इससे पता चलता है कि ये उस दौर की सिविलाइजेशन है और उसका मेन फीचर है। रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी मीन्स दोबारा चीज़ों को वो बनाते थे, रीडिस्कवर करते थे, जो बनी बनाई उनको दरियाफ्त करते थे, मतलब खुदाई का काम करते थे, खुदाई में से जो चीज़ें मिलती थी उनको रीशेप करते थे, और ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करते थे जो जिनका वजूद ही नहीं था। मीन्स इसका ये अनदर की फीचर है कि चीज़ों को वो रीडिस्कवर कर लेते थे, कि चीज़ों को ऐसे बना लेते कि जैसे न्यूली हैं। उसके बाद स्ट्रेटजिक लोकेशन, इसकी मेन लोकेशंस की वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, मतलब टेक्सिला में है मेन लोकेशन, और इसको दोबारा बनाया गया सेवरल टाइम, मतलब ये बहुत बड़े पुराने हैं, तो जैसे दीवारें पुरानी होती जाती हैं तो वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाती हैं, तो उनको उन्होंने दोबारा से तमीर किया। ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग, इन लोगों में जो मेन खसूसियत थी वो लर्न बहुत करते थे, उनमें ये रवायत पाई जाती थी कि मीन्स वो एक ही चीज़ को लर्न नहीं करते थे, मतलब अपने एरिया के लोगों को जस्ट लर्न करना, वो सिविलाइजेशन को भी लर्न करते थे। जिस तरह हिंदू, पर्शियन, बुद्धिस्ट और जो डिफरेंट जो किंग थे, किंगडम ऑफ गांधरा, मतलब टीचिंग और लर्निंग में बहुत ज़्यादा अहम थी। मीन्स होता ही है कि हम अगर हम पाकिस्तानी हैं तो अगर हमें दूसरी सिविलाइजेशन से कोई चीज़ें अच्छी मिलती हैं तो हमें उससे लर्न करना चाहिए। उसके बाद कन्क्विस्ट, कन्क्विस्ट मतलब उन्होंने कौन कौन से जो
खानदान थे, उन्होंने डिफरेंट कैपिटल्स को, डिफरेंट एरियाज़ को कंक्विस्ट किया। तो दिस इज़ एन अदर फीचर ऑफ कंक्विस्ट। रिलीजन, रिलीजन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब कौन सा रिलीजन जिनको वो फॉलो करते थे उस दौर के लोग। उसके बाद एंड पे है लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज क्या थी। मिडल इंडो एरियन डायलेक्ट था, जो उनके ज़बान का लहजा था, वो किस तरह बोलते थे और उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या था और कम्युनिकेशन कैसे करते थे। तो ये थी इस मेन करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। मीन अगर आपसे पूछा जाए कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ गांधा सिविलाइजेशन, गांधारा सिविलाइजेशन, देन यू कैन राइट 8 to 9 points। मीन्स यू कैन एक्सप्लेन इट, मीन्स जस्ट आप इनको एक्सप्लेन करेंगे कि आर्किटेक्चर्स क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, आर्ट क्या है, तो 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स ये था और इस तरह के लोग थे, उनकी लैंग्वेज ये थी, उनका रिलीजन ये था, उनकी स्टेट, वो लोकेशन उनकी कहाँ थी। तो ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन।